वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे सारे दोस्तों, व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड्स और खासकर वो सारे स्टूडेंट्स जो इस टाइम इस वीडियो को देखने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ टॉपिक दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फॉर क्लास 10। इट्स अ चैप्टर 8 अकॉर्डिंग टू द यू नो सीबीएसई चैप्टर, सीबीएसई एनसीईआरटी बुक। इट इज अ चैप्टर नंबर 4। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक हम आज बात करेंगे इस पूरे चैनल के थ्रू, इस टॉप वीडियो के थ्रू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या और कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो जो लोग नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें सेक्शन में और जाकर और शेयर करें। राइट, पहली चीज, क्वाड्रेटिक का मीन्स होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो। वेरिएबल कितने होने चाहिए? 1, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। बेसिकली क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल कह लीजिए या एक इक्वेशन कह लीजिए, जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है? वेरिएबल की डिग्री है 2, ओनली 2 इज अ डिग्री। राइट, तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपका कहा जाता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इट इज कंसीडर्ड एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। इसी को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर ए, बी एंड सी, इनको क्या कहते हैं? आर नोन एज कोफिशियंट। क्या कहलाता है ये? कोफिशियंट्स कहलाते हैं। दीज आर नोन एज कोफिशियंट्स, इन्हें कोफिशियंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए, बी एंड सी आर known as coefficient of the equation। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। कोई भी समीकरण अगर इस प्रकार से लिखा गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर जो वेरिएबल है, जैसे यहां पे वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, मैक्सिमम पावर है, वो 2 होना चाहिए। जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को डिग्री कहा जाता है, तो डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। सो इक्वेशन बिकम्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि आपके पास यहां पर कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, यहां पर हम बात करेंगे सेकेंड टर्म के कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसके बारे में जानेंगे कि रूट्स क्या होते हैं। तो पहले हम समझते हैं रूट्स का मतलब क्या है। जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे रूट्स कहेंगे किसे? द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज अबव इक्वेशन। मतलब एक्स के वो वैल्यूज, एक्स के वो मान जो यहां पर रखे जाएं, तो ये पूरा का पूरा समीकरण 0 के बराबर हो जाए। क्लियर है? उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहते हैं हम रूट्स। बेसिकली इन्हें जीरोस भी कहा जाता है पॉलिनोमियल के टर्म में, लेकिन जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दे आर कंसीडर्ड एज अ रूट। एंड नॉर्मली इन रूट्स को हम कहते हैं अल्फा और बीटा से प्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन
तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, बल्कि आप एक काम कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू कर लेते हैं। एक छोटा सा वैल्यूज डिफरेंट रहेंगे तो थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, तो एक्स की वो वैल्यूज जिस पे हमारा इक्वेशन, ये जो वैल्यू है ये जीरो हो जाए, उन्हें हम कहते हैं रूट्स, ठीक है। क्या कहेंगे? रूट्स कहते हैं। जैसे फॉर दिस सपोज लेट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। अगर हम देखें तो माइनस वन ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस वन। सो जैसे हम एक्स इक्वल टू माइनस वन लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वन माइनस टू, बराबर कितना होगा देखिए, वन प्लस वन माइनस टू, टू माइनस टू दैट इज जीरो, दैट इज इक्वल टू योर आर एच एस। लेफ्ट हैंड साइड में आपने एक्स इक्वल टू माइनस वन रखा तो वैल्यू जीरो हो गई, वो किसके बराबर है? आर एच एस के बराबर है। इसका मतलब है एक्स का एक रूट है माइनस वन। ऐसे हम अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन भी दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी देखें, चूंकि पावर टू है ना, तो यहाँ पे दो रूट होंगे, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी वैल्यूज होंगी एक्स की। तो सपोज यहाँ पर हम बात करें दूसरी वैल्यू एक्स इक्वल टू टू ले लेते हैं, व्हाट डिड क्या क्या किया हमने, एक्स इक्वल टू टू। आइए भाई इस इक्वेशन को फिर से लेते हैं, टू का स्क्वायर माइनस टू माइनस टू, फोर माइनस टू माइनस टू, फोर प्लस सॉरी फोर माइनस फोर दैट इज जीरो, अगेन आपको वैल्यू मिल गई। तो दूसरा रूट क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू प्लस टू, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज निकली है ना, जिन पर आपके इक्वेशन का मान जीरो हुआ है, इन्हें हम बोलते हैं रूट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? रूट्स। तो रूट्स का रिलेशन क्या है इन कोफिशिएंट के साथ? आपके ये नाइन्थ में आई थिंक आपने पहले चैप्टर तो पढ़ा होगा, पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था पॉलीनोमियल, वहां पे ये रिलेशन बताया गया। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, बहुत सिंपल सी बात है। कहा जाता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ रूट्स जो है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, ठीक है। ये जो दो टर्म है ये आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं फटाफट हम इनको क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट मिल सके। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, जैसा क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। फोर एक्स स्क्वायर, मैं एक एग्जांपल देता हूं, फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि हम बीच वाले को अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिखते हैं और इधर सी वाले टर्म को अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे जरा समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे इन सारे क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए, ये देखिए यहाँ पर ए कितना है बेटा, फोर है, बी कितना है माइनस ट्वेल्व है, सी कितना है नाइन है, ठीक है। ए फोर, बी माइनस ट्वेल्व, सी नाइन। अगर हम इस इक्वेशन से रिलेट करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले से, ठीक, इससे अगर हम इक्वेट करें, अब समझिएगा फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या समझना है? जैसे यहां पर देखिए क्या है, ए और सी, ए और सी क्या है, ए इंटू सी कितना है बेटा, फोर इंटू नाइन कितना है 36, और
इसके बाद देखिए करना क्या है, लॉजिक क्या है, हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए, समझिएगा, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 हो। टू नंबर्स हूज मल्टीप्लिकेशन 36 है और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये जो सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है, ये नंबर चाहिए, कितना 12 चाहिए। समझना ध्यान से, दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 हो और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो, 12 हो, ऐसे नंबर हमें चाहिए। ठीक, तो कैसे करेंगे भाई, जरा ध्यान से देखते हैं। अगर हम 36 देखें तो 36 कहाँ कहाँ टेबल में आता है, 12 की 2 की टेबल में आएगा, 18 टू द 36, बट 18 प्लस 2 20, 18 माइनस 2 16 नहीं है। 3 की टेबल में आएगा 12 थ्री ज 36, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन 12 प्लस 3 15 या 12 माइनस 3 9 नहीं आ रहा है। 6 के टेबल में आते हैं, 6 ज 36, 6 ज 36 और 6 प्लस 6 12, मतलब दो ऐसे नंबर चाहिए थे जिनका एडिशन 12 हो, ये भी कंडीशन मैच हो गई, दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 36 हो, ये भी कंडीशन मैच हो गई। तो हमें यहाँ पे बस क्या करना है, इस 12 की जगह बेटा यही लिखना है, समझिएगा, हमें कुछ करना नहीं है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इस 12 की जगह केवल लिखो 4x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। माइनस अंदर लिखे गए, इधर से x अंदर लिखे गए, क्लियर है। इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 जब बाहर आ गया तो 1 2 बचेगा, x 1 बाहर आ गया तो 1 x बचेगा, माइनस 2 3 जा 6 3 बचा, x तो बाहर ले ही चुके हैं। ठीक, यहां से फिर माइनस ले लिया कॉमन, देखो 3 आएगा कॉमन, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, अब चूंकि माइनस 1 बाहर ले लिया तो इसको माइनस में दिखा दिया बराबर 0, तो ये जगह 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये जगह 2x माइनस 3 बराबर 0, एक पहला। और यहाँ पे तो देखिए दोनों एक जैसे हैं, इसलिए आपको दो एक जैसे दिख रहे हैं, कभी कभी ऐसा होगा x प्लस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0, अलग अलग ग्रुप बनेंगे, तो ये ग्रुप ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा बेटा 2x इक्वल टू 3, ये माइनस में था इधर गया प्लस में हो गया, x इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये पहली वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम मिल रही है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है एक ही चीज का, लेकिन अगर ब्रैकेट्स अलग अलग होते तब तो अलग अलग वैल्यू निकलती। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं गुणनखंड। हम फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टराइजेशन के थ्रू हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, इस तरीके की क्वेश्चन आप करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे, जहां दिक्कत होगी बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने पुट कर सकते हैं, और आप क्वेश्चन पुट कर देंगे, मैं आपको उसके सॉल्यूशन दे दूंगा। इसके बाद दूसरा आता है प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे करना है, कैसे बनेगा, ये मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। आप तब तक इसको देखें, कमेंट्स करें, लाइक करें, लोगों में सब्सक्राइब करें, और लोगों को कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आएंगे अगले मेथड के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, उतनी ही जल्दी वीडियो पेस्ट होगा, वीडियो पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।